इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 15, इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 16। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 को। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.15। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे चेंज ये हो रहा है कि थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। इन प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें कहा गया था एक स्क्वायर था जिसकी फेज लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि एक क्यूब है और उसकी फेज लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑरियंटेड सो दैट इस फेज आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कि इस क्वेश्चंस में भी हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे नोट किया जाए कि यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करते वक्त हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा वेरी हो रहा है, वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब दिया गया। सिमिलरली वहाँ पे 10 सेंटीमीटर फेज लेंथ दी गई थी, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फेज लेंथ दी गई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे एक क्यूब की, जो हमें काफ़ी ईजी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं, अब मैं यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ करने वाला हूँ, राइट। ठीक है, बेसिकली हमारा ये जो था क्यूब वो यहाँ पे बन चुका है और आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस डिरेक्शन है, ये हमारी वाई एक्सिस डिरेक्शन है और ये हमारी जेड एक्सिस डिरेक्शन है। और इसकी फेज लेंथ हमें दी गई है, सॉरी ये कुछ यहाँ पे मिलता होगा, थोड़ी सी ड्राइंग मिस्टेक हो रही है, चल जाएगी। चलिए यहाँ पे हमें दी गई थी इसकी फेज लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम इसको नाम भी दे देते हैं। सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ई एफ जी एच, राइट। चलिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ही देखा था कि एक्स एक्स की डायरेक्शंस में था, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक तो ये ए बी सी डी सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि ये जो ए बी सी डी प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक हमें यहाँ मिल सकता है। दूसरा हमें मिल सकता है ई एफ जी एच पे, क्योंकि ये जो पोर्शंस है वो भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, राइट। तो हमें इन दो सरफेस पे ही फ्लक्स मिल सकता है, बाकी की जो सरफेस है उसमें हमें फ्लक्स कभी भी मिल सकता नहीं है, राइट। तो चलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों सरफेस पे फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, तो हमें दो फ्लक्स मिलेंगे और हमें टोटल नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट करते हैं कि फ्लक्स कनेक्टेड विथ ए बी सी डी प्लान, ठीक है, हमने लिया है ए बी सी डी प्लान। चलिए, तो ए बी सी डी प्लान में हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी सी डी प्लान है उसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शंस में, तो हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर इस तरफ है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो कुछ इस तरफ है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बनेगा 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करते हैं, मैं उसको नाम देता हूँ फ्लक्स 51, फॉर्मूलास पुट करते हैं ई डॉट ए डॉट हटा दीजिए तो ई ए कॉस थीटा, और बेसिकली हमें पता है यहाँ पे ई ए यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया तो सेम ही रहता है, और कॉस थीटा तो थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा 180, और बेसिकली आपको याद होगा कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा -EL2। कैलकुलेशन हम लास्ट में कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया ए बी सी डी प्लेन के साथ कनेक्टेड होने वाला फ्लक्स। और सिमिलरली अब हम बात करेंगे फ्लक्स कनेक्टेड विथ ई एफ जी एच प्लेन, ठीक है।
चलिए, तो इस प्लान के लिए हम कनेक्ट होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नोट करिए बच्चा पार्ट, यहाँ पे जो एरिया है वो कुछ परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड डिरेक्शन में होगा, तो यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं फ्लक्स फाई टू, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ई डॉट ए, यहाँ पे होगा ई ए कॉस थीटा। बट यहाँ पे आप नोट करिए कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डिरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया है ज़ीरो, तो यहाँ पे हो गया ई ए कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये आ जाएगा ई इन टू एल स्क्वायर, राइट। और अब हम क्या करेंगे भाई, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो नेट फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू हो जाएगा फाइ वन प्लस फाइ टू, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ई एल स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें आंसर मिलने वाला है ज़ीरो, राइट बच्चा पार्टी। तो इस क्वेश्चंस में जब हमें स्क्वायर की जगह पे क्यूब दे दिया गया, तो उस क्यूब में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमें मिला ज़ीरो। और सिमिलरली ये तो बाय प्रैक्टिकली भी हम सोच सकते हैं कि अगर एक क्यूब हुआ तो क्यूब की एक फेज में से जितनी फील्ड लाइन्स अंदर एंटर होगी उसकी दूसरी फेज में से उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उस क्यूब के साथ कनेक्ट होने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो ऑलवेज ज़ीरो हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने वाले एक्सरसाइज नंबर 17। थैंक यू।